हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिश्माटिक केमिस्ट्री। अब हम कंटिन्यू करें हमारे फाइलम की सीरीज, जिसमें हम पूरे फाइलम जितने आपको पता होने चाहिए वो सब हम कवर कर रहे हैं। सो इट इज वैल्यूएबल फॉर एवरीवन हु हैज बीन पास्ड फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड और हु इज परसुइंग द 10th स्टैंडर्ड। सो अब सबके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करता हूँ, आज का जो फाइलम होगा हमारा मोलस्का होगा। फाइलम मोलस्का, अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा जो भी वर्ड्स है हमारे, उन सबके अपने खुद की मीनिंग है। जैसे कि हमारे आर्थ्रोपोडा का था, तो हमने बोला था कि उनके अंदर क्या होता है कि उनके थोरैक्स रीजन से उनके लिम्स अटैच थे। सो वैसे हमारा बना था आर्थ्रोपोडा। हर एक का अपना नाम की वजह से एक मीनिंग है। तो मोलस्का का भी मीनिंग होती है। मोलस्का मतलब क्या? सॉफ्ट और स्लाइमी। जो भी सॉफ्ट और स्लाइमी हो, सॉफ्ट मतलब कि वो हार्ड ना हो, इजी टू टच करने में। सो सॉफ्ट, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं इनके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर सॉफ्ट एंड स्लाइम। स्लाइमी, और इसी वजह से इनका नाम क्या है? मोलस्का। ठीक है, तो इनका हमको ये पार्ट पता चल गया। अब दूसरा चीज क्या होता है, ये मिलते कहां पे? सो दे आर फॉर्म बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर। सो लैंड और वॉटर में दोनों में मिलते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा वॉटर वाले जो है उसमें मोस्टली एक्वाटिक है, और एक्वाटिक में सॉरी मरीन है। मरीन, मरीन में मोस्ट है, और फ्यू है फ्रेश वाटर। एफ से फ्यू, फ्रेश वाटर, मरीन। सो मोस्ट बहुत ज्यादा किसमें है? वहां पे अगर जो वाटर मिलेंगे तो वो आपको ओशियनिक वाटर, जहां पे सॉल्ट होता है वाटर में, वहां पे मिलेंगे। और जो फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है, और लैंड पे भी मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, अब इनकी बॉडी कैसी है? तो इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। उससे पहले यू सिलोमेट, मतलब यू सिलोमेट का मतलब क्या? ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है जब मीजोडर्म और जब मीजोडर्म बना होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। तो आपको ये बात पता है ऑलरेडी, यू सिलोमेट है। दूसरा, अगर इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, एक्सेप्ट स्नेल। स्नेल के अंदर कौन सी है? इसके अंदर है असिमेट्रिक। ये असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक है। तो इसको छोड़ के सभी के अंदर क्या होती है? हमारी बायलैटरल सिमेट्री होती है। और क्या इनके अंदर है? कितने जर्म लेयर होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, तीन पार्ट्स में जनरली। तो ये तीन पार्ट्स है, फुट, उनके पैर, हेड एंड विसरल मास। अच्छा, विसरल मास क्या होता है? ये एक जमा हुआ, क्या बोलते हैं, हमारा मास है, जो बोलते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब जैसे कि समझिए, कुछ स्ट्रक्चर है, मैं ऑक्टोपस जैसा कुछ बना रहा हूं, तो ये विसरल मास है जो एक प्योर, जो जनरली जो हम लोग बोलते हैं नॉनवेज खाते हैं जनरली, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और चाइना ऐसे कंट्री में क्या होता है, बोले ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं। वो कौन से पार्ट को टारगेट करते हैं? ये विसरल मास को। ठीक है, विसरल मास के ऊपर रहता है मेंटल, यहां पे इसके ऊपर रहता है मेंटल। अब मेंटल क्या करता है? मेंटल, आपने ज्योग्राफी में मेंटल पढ़ा, लेकिन ये मेंटल अलग है। ये मेंटल क्या करता है? ये कैल्केरियस सब्सटेंस रिलीज करता है। कैल्केरियस,
मतलब क्या, कैल्शियम जैसे कुछ बोलते ना जो सब्सटेंसेस ये रिलीज करता है, कौन, मेंटल रिलीज करता है, इसी की वजह से किसी किसी में शेल बन जाता है। तो आपने जो जनरली किसी के पास स्नेल के पास शेल देखा होगा, तो ये शेल भी इसी की वजह से बना, ठीक है। और किसी किसी में कुछ भी रिलीज भी नहीं करता, किसी में रिलीज भी नहीं करेगा, किसी में बहुत ज्यादा अमाउंट में करेगा और किसी में एकदम एब्सेंट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, किसके बारे में, मेंटल के बारे में। फिफ्थ पॉइंट, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको इसका एग्जांपल है ऑक्टोपस, देन बायवॉल और आपका अपना स्नेल। स्नेल का आपने देखा होगा कि जब वो वॉक थ्रू करता है, जब धीरे धीरे वो मूव करता है, तो वो स्लाइमी मटेरियल रिलीज करता है। तो आपको वहां से ध्यान रखना है कि स्लाइमी होते हैं और सॉफ्ट कैसे होते हैं। सो वो आप लोगों ने जैसे कि टीवी में देखा ऑक्टोपस रहता है, वो अपने जो उनके फीट रहते हैं वो सक्शन का काम करते हैं। तो इजिली वो मेंड हो सकता है कहीं भी, यहाँ वहां। इवन ऑक्टोपस कह रहे हैं, आपके बुक में भी मेंशन है कि वो कलर बदल सकता है। सो वो बहुत स्मार्ट होता है, कैसे भी घूम सकता है, इरेक्ट हो सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो वहां से आपको ऑक्टोपस के बारे में मालूम पड़ता है। सो रिवाइज कर लेते हैं कि अच्छा, इनके सेक्सुअलिटी कैसी रहती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन, जैसे कि मैंने बताया था, स्नेल का नाम लेना है, क्रैब का नाम नहीं। तो क्रैब में आपको मालूम है, क्रैब स्लाइमी मटेरियल रिलीज नहीं करता, तो आप उससे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि मोलस्का रहेगा तो वो स्लाइमी मटेरियल रिलीज करेगा, और वहीं पे हमारा जो आर्थ्रोपोडा हो या रेप्टाइल्स हो, जिनके ऊपर शेल लाइक का स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन वो क्या करते, स्लाइमी मटेरियल रिलीज नहीं करते, जो हमारा मोलस्का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, मार्क कर देता हूँ सबको मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, सॉफ्ट एंड स्लाइमी, फिर लैंड और वाटर दोनों में मिलते हैं, लेकिन वाटर में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, मरीन में, ठीक है। यूसिनेमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट स्नेल, क्योंकि उसके अंदर असिमेट्रिक हमारा सिमेट्री है। असिमेट्रिक मतलब उसको किसी पार्ट में करो, आपको कोई भी दो पार्ट सेम नहीं मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब बीच का, और एंडोडर्म मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। फुट हेड और विसरल मास, तो विसरल मास आप लोग के लिए नया वर्ड है, उसकी जनरल मैंने लोकेशन बता दी। फिर उसके ऊपर मेंटल होता है, मेंटल रिलीज करता है कैल्शियम टाइप का सब्सटेंस, उससे उनका आउटर कवरिंग बनता है। किसी किसी में आउटर कवरिंग नहीं बनेगा और किसी किसी में तो ये रिलीज भी नहीं करता कोई सब्सटेंस। तो आपको ये सब चीज याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे। तो आप लोग स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ये दिया गया बुक में, और नेक्स्ट सेक्सुअलिटी कैसी इनके, तो यूनिसेक्सुअल। अब एक और चीज, ये क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड फाइलम। फर्स्ट हमारा कौन था, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था, सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है आपके अंदर, ठीक है। अब हमारा ये हो चुका है, नेक्स्ट हम आगे करने वाले हैं इकियोनडर्माटा के बारे में। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। होपफुली आप लोग पीछे के वीडियो के लिए अपना रिवाइज कर रहे होंगे, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे होंगे। जरूर इसे शेयर करें जितने लोगों में आप पहुंचा सकते हैं। इकियोनडर्माटा, अब इसके नाम के भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगी कि इकियोनडर्माटा क्या होता है। सो इकियोन मतलब कैल्केरियस डर्माटा, मतलब क्या, उनका कैल्केरियस डर्मिस, डर्मिस मतलब आपकी स्किन।
तो इनकी स्किन जो होती है कैल्केरियस होती है। कैल्केरियस स्किन का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम से बना हुआ इनका स्किन दिखता है, मतलब ऐसे स्पाइंस दिखेंगे आपको उनके सरफेस के ऊपर जो टफ रहेंगे टच करने में, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं इसके, पहला दे हैव कैल्केरियस स्पाइंस, स्पाइंस कैसे ऐसे वाले स्पाइंस ऑन देयर आउटर सरफेस, हेंस उनका नाम क्या पड़ा, इटियन डर्माटा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, ये मैं बात कर रहा हूं एक्सो एक्सोस्केलेटन टाइप हो गया, एंडोस्केलेटन भी होता है, एंडोस्केलेटन भी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइंस ओनली, कैल्केरियस भी बोलते हैं इसी, मतलब क्या, अगर आपका ये स्टार है तो किसी किसी में ये कैसा हो सकता है, पूरा सरफेस पे हो सकता है ऐसा अंदर से कैल्शियम वाला सब, किसी किसी में क्या हो सकता है राउंड शेप रहेगा जो कि हमारे स्टार में होता है ऐसा राउंड शेप का अंदर की तरह, ठीक है, अंदर की तरफ से ऐसा रहता है, तो इसे बोलते हैं कि एंडोस्केलेटन अंदर की तरफ, और एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, ये बाहर, आपको ध्यान रखना है ऐसा रहता है। अब आपको कुछ और एक नया वर्ड सीखना है, वो है ट्यूब फिट। इनके पास क्या होता है, ट्यूब फीट, ट्यूब फिट क्या होता है, जैसे कि नाम में ही ट्यूब फिट, जनरली अगर मैं इसका साइड इसको उल्टा करूं तो ये आपका ऐसा दिखेगा। सो ऐसे रहते हैं कुछ, इनके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनकी बॉडी में, इनके लोअर सरफेस पे। इससे क्या करते हैं वो लोग, दो काम करते हैं, एक तो पहला मूवमेंट करते हैं, इसके थ्रू अगर वाटर वेव आती है, जनरली ये सीडेंटरी बहुत ज्यादा ये लोग के पास एनर्जी होती नहीं है, सो जब वाटर वेव चलती है तो ये लोग भी उसके साथ ये फीट को यूज करके आगे या पीछे जैसे करना है मूव करना शुरू करते हैं। सो मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट, एंड सेकेंडली कैच द फूड, ये लोग भी नॉन वेज है, ठीक है, दो काम करते हैं कि एक को मूवमेंट करते हैं और दूसरा ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने प्रे को कैच करते हैं इसी के। अच्छा, किसी किसी में मूवमेंट होता ही नहीं है तो लोग क्या करते हैं, सिडेंटरी बोलते हैं, जो मूवमेंट ना करें तो उनको सिडेंटरी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग भी बोलते हैं कि बात करते हो कि यू आर सिडेंटरी, यू हैव बिकम सिडेंटरी, मतलब क्या, आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हो, आप एकदम दिन भर सो रहे हो, ऐसा कुछ को बोलते हैं सिडेंटरी। ये हो गया। अब इनकी बॉडी भी कैसी रहती है, जनरली यू सिलोमेट लोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक और ध्यान रखना इनके अंदर दो टाइप की सिमेट्री मिलेगी आपको, एक मिलेगी बायलैटरल, बायलैटरल और रेडियल, रेडियल जैसे मैंने बताया था मल्टीपल प्लेन्स बायलैटरल, यहां से कट करिए देखिए इसको, आपको एक प्लेन मिल जाएगा, ये देखिए दोनों लेफ्ट राइट में सेम दिखेंगे, ये रहा दोनों सेम, यहां से कट करिए उसे देखिए दोनों पार्ट ऊपर वाला यहां वाला सेम, अब इसे ऐसे बहुत सारे प्लेन्स में आप कट कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे बायलैटरल प्लेन्स मिले किसी स्ट्रक्चर में,
सो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, तो सर बच्चे बोलते हैं सर बायलैटरल ही तो है, लेकिन बहुत सारे बायलैटरल एक ही में हो तो उसे बायलैटरल नहीं रेडियल बोलते हैं, बस इतना सा फर्क है आप लोग को। सो बायलैटरल किस में मिलता है? एडल्ट में, अरे सॉरी लार्वल स्टेज में, और रेडियल मिलता है अडल्ट में जो फुल्ली ग्रोन है। लार्वल मतलब जब वो छोटे रहते हैं, जब वो जस्ट बॉर्न हुए रहते हैं तो उनको बोलते हैं लार्वल स्टेज, और एडल्ट स्टेज मतलब बोलो अब रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है। फिर ये इनके अंदर का हमको पता चल गया, यूनिसेक्सुअल मोस्टली क्या होते हैं, जैसे वर्ड आपको बुक में लिखा है ध्यान रखना है मोस्टली यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एंड हैव हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, उनकी कैपेसिटी टू रीजनरेट मतलब खुद को पैदा कर पाने, अपने से खुद के स्पीशीज को बॉर्न कर पाने की जो एनर्जी होती है वो अच्छी रहती है, इसलिए ये ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इनके एग्जाम्पल्स, कि आप लोग को इनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल्स आप लोग बहुत ईजी है, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और स्टारफिश, ये आपके एग्जाम्पल है। क्या लिख देता हूं सबके नाम, स्टारफिश, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर, ये आपके तीन एग्जाम्पल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है कौन सा फाइलम कंप्लीट, एकियन डर्माटा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कैल्केरियस स्पाइंस एक्सटर्नली भी रहेगा जैसे कि ऊपर से लिखा है, और इंटरनली भी बना रहेगा, इसको बोलेंगे एंडोस्केलेटन, ठीक है। इसे और एक नाम भी दिया गया, ये ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है वन मार्क्स के अंदर, ट्यूफिट, ट्यूफिट जिसकी जनरल क्राइटेरिया होती है एकियन डर्माटा के अंदर मिलता है, इंपॉर्टेंट है आपको। दो मूवमेंट, दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक है मूवमेंट और एक है हमारा कैच द फूड और प्रे, सिडेंटरी, और मोस्टली अगर जिसमें ट्यूफिट है तो सिडेंटरी मतलब एक ही जगह अपना लाइफ पूरा निकाल देगा। यूसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक इंपॉर्टेंट बायोलैटरल इन द लार्वल स्टेज एंड रेडियल इन द एडल्ट स्टेज, यूनिसेक्सुअल होता है और हाई कैपेसिटी टू रीजनरेट होती है। तो इसके साथ हमारा ये वाला फाइलम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम मिलेंगे हमारे नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम, दैट इज हेमी कॉर्डेटा। हेमी नाम में मतलब आधा कॉर्डेटा, मतलब वो थोड़ा सा सिम्टम कॉर्डेट जैसा भी दिखाएगा और थोड़ा सिम्टम दिखाएगा हमारे नॉन कॉर्डेट जैसा, तो वो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक रहेगा। सो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर भी करना, उन्हें बताना कि ऐसी कुछ सीरीज हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे चालू है जेसस करिज्मेटिक केमिस्ट्री पे। तो अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तीनों चीज कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे है।